देखिए योगी जी और मोदी जी बिल्कुल मौन धारण करके बैठे हैं। पार्टी की बात नहीं कर रहा, मेरा निजी मानना यही है, क्योंकि आप खुद देख लिए, कोई विधायक है, कोई पूर्व मंत्री है, सब फ्री घूम रहे हैं। ये नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बताइए बेटी को पढ़ा नहीं बचेगी कैसे। और जो आरोप लगाया बेटी ने, उस बेचारी बेटी जेल में है, क्योंकि मैं तो यही मानता हूँ कि सिर्फ गरीबों के लिए है। आपने तेलंगाना में देखा, वो कोई क्लीनर था, कोई ड्राइवर था, पुलिस ने उनको सीधा गोली मार दिया, तो आप क्या समझ रहे हैं इससे। आप यही मैं साबित करना चाहता हूँ कि गरीबों के लिए है। क्या सरकार इस पे कोई प्रभावी कदम नहीं उठा पा रही है? देखिए योगी जी और मोदी जी बिल्कुल मौन धारण करके बैठे हैं। वो ये नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बताइए बेटी को पढ़ा नहीं बचेगी कैसे। इसका भी तो कोई प्रावधान होना चाहिए। इसके लिए एक त्वरित जो न्यायालय होता है ये अलग से बनना चाहिए, क्योंकि केस इतने होते हैं कि इनकी सुनवाई हो नहीं पाती है। इसका कोर्ट अलग बनेगा तो ये जो केस जितने हुए हैं इनकी सुनवाई जल्दी होगी और जल्दी बताएं लोगों को न्याय मिलेगा। बहुत सारे लोग आज जेलों में हैं, क्या कारण है उनको सजा नहीं मिल पा रही है? देखिए कुछ तो सत्ता पक्ष से हैं, सत्ता पक्ष वाले भी बचा लेते हैं। देखिए धन बल और बाहुबल ये सभी कुछ बताएं लगता है जिसमें जो लोग बच जाते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। क्या लग रहा है कि प्रदेश में सिर्फ गरीबों के साथ ही सजा का काम हो रहा है? नहीं बिल्कुल हो रहा है, यहाँ कोई सुनता नहीं है। गरीब आदमी जाता है थाने जाता है कोतवाली जाता है, उसको भगा दिया जाता है, उसको कह दिया जाता है कि आप समझौता कर लीजिए। प्रसाद यादव जिला प्रवक्ता प्रसभा बंद। पार्टी ने ज्ञापन दिया है, क्या मांग है आप लोगों की? आज जो ये ज्ञापन हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की महिला सभा जिलाध्यक्ष श्रीमती कल्पना सोनी के नेतृत्व में सारी महिलाएं और पार्टी के कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ता आए हुए हैं। हम ज्ञापन के द्वारा ये मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला से जो बेचारी असहाय लड़की के साथ दरिंदगी की गई है कि उसको जिंदा जलाया गया है, और आप सबको पता है कि वो सफदरजंग अस्पताल में गई, भेजा गया उसको, लेकिन आखिरी सांस तक वो एक ही बयान करती रही कि मैं जीना चाहती हूँ, मरना नहीं चाहती हूँ, और दरिंदों को जो है फांसी के तख्ते तक पहुँचाना चाहती हूँ। लास्ट आखिरी चंद समय में भी उसने अपने बहन को भी यही बयान दिया था कि मैं जीना चाहती हूँ बहन, मरना नहीं चाहती, लेकिन मैं अब मर रही हूँ, आप इन दरिंदों को फांसी तक पहुँचवाना है। और बात उत्तर प्रदेश की नहीं है, बात पूरे हिंदुस्तान की है। आपने सुना कि तेलंगाना के अंदर भी इसी तरह जलाया गया लड़की को, तत्पश्चात उसके बाद जाकर उत्तर प्रदेश में केस हुआ, और आज ही मीडिया के द्वारा न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा है कि बिहार के जो है मुजफ्फरपुर में एक लड़की जलाई गई है। तो ये जब तक थमने वाले नहीं, जब तक कानून कठोर बनाए जाते हैं लेकिन हर एक के लिए बराबर नहीं न्याय मिलता है, तो समानता का कानून कठोर हो ताकि हर अपराधी, चाहे वो रसूखदार हो, चाहे पैसे वाला हो, चाहे गरीब वाला हो, सबके लिए समानता से दृष्टि से देखना चाहिए। और हमारी पुरजोर वकालत यही हमारी पार्टी की महिला सभा की कि जो है तत्काल त्वरित कार्रवाई करके अपने आरोप साबित होने से फांसी के फंदे के बीच में 30 दिन का गैप होना चाहिए। ज़्यादा लंबा खींचने से आप सबको पता है कि आरोपी बरी हो जाते हैं, आरोपी फ्री हो जाते हैं, जब जनता का आक्रोश शांत हो जाता है तो उनको रिहा कर दिया जाता है। तो हम यही मांग करते हैं कि भारत के अंदर ऐसे कानून कठोर बनाए जाए ताकि समाज के अंदर एक ऐसा संदेश जाए कि अगर हम गलत कार्रवाई इस पर आते हैं तो हमारे को सीधा फांसी पर चढ़ाया जाएगा। ये नहीं कि कुछ को छोड़ दिया, कुछ बेचारे गरीब आदमी को चढ़ा दिया तो गलत समाज में इस कानून का जो है वो जाता है। क्या मानते हैं आप इस अपराध पर सजा जो मिल रही है वो सिर्फ गरीबों को मिल रही है? मेरा मानना तो यही है, मेरा निजी मानना है, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, मेरा निजी मानना यही है, क्योंकि आप खुद देख लिए, कोई विधायक है, कोई पूर्व मंत्री है, सब फ्री घूम रहे हैं, और जो आरोप लगाया बेटी ने, उस बेचारी बेटी जेल में है, तो क्या। मैं तो यही मानता हूँ कि सिर्फ गरीबों के लिए है। आपने तेलंगाना में देखा, वो कोई क्लीनर था, कोई ड्राइवर था, पुलिस ने उनको सीधा गोली मार दिया, तो आप क्या समझ रहे हैं इससे। आप यही मैं साबित करना चाहता हूँ कि गरीबों के लिए है। ये बहुत ही घटिया चीज़ है जो भी है, पर इसके लिए एक अच्छा मतलब पावर बनाना चाहिए, पुलिस को भी देखना चाहिए अच्छी तरह से,
और इस चीज़ों के लिए मतलब सब जिम्मेदार हैं। वो क्या कहते हैं, जो अगर सड़कों से बाहर निकलती हैं लड़कियां, तो उनके लिए अच्छी चीज़ें करनी चाहिए और शासन को स्ट्रिक्ट होना चाहिए। आप लोगों को क्या घर से निकलकर कॉलेज जाते वक्त या ट्यूशन पढ़ने जाते वक्त कोई भय लगता है? हाँ लगता है, बिल्कुल लगता है। जब हम जाते हैं निकलते हैं तो थोड़ा डर लगता है, कहीं ना कहीं झिझक होती है कि रात हो जाती है तो हमारे माँ बाप को भी डर लगता है, थोड़ा डर होता है इस चीज़ का। तो आप अपने अंदर के डर को निकालने के लिए सरकार से क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि अच्छा शासन, अच्छी चीज़ें होनी चाहिए लड़कियों के लिए भी, और आज के देश में अच्छे विचार होने चाहिए सबके। कैसे संभव है, कैसे होगा? पुलिस शासन अच्छा होना